जलंधर आदमपुर मुख्य मार्ग पर एक गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार दोनों युवक एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे। इसी बीच आदमपुर की ओर से आ रही गाड़ी से उनकी सामने आमने टक्कर हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हंगामे की सूचना पाकर थाना मकसूदा की पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने दोनों युवकों परमजीत और विल्सन के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। इस मामले को लेकर जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर बनती कार्रवाई शुरू कर दी है। पिंड मदारा दे एक है परमजीत सिंह ते एक विल्सन है, एक दी 25 साल उम्र है, एक दी 50 साल है। ये मोटरसाइकिल अपने ते जेड़े आदमपुर नु जा रहे सी, अगले पासे ट्रक्स गड्डी आ रही सी, बिच्चे एक ट्रक भी जेड़ा मगरे विच आ रहा सी, उहदे करके अचानक एक्सीडेंट होण करके जेड़े मदारा दे दोनों बंदे इन्हां दी मौके ते डैथ हो गई। इस संबंधी जेड़ा असीं आ 304 ए 279 ITC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਸਨ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ।